ओके जी, आज हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स और वाइक हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इंस्टा लाइव क्लास डे 2, लेट्स गो। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पे कि ये बहुत सी लड़कियों का इशू है और बहुत सारी लड़कियों ने कमेंट भी किया था कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पे बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, आपकी किन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये इफ़ेक्ट होता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्यों होते हैं, आपकी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ये हो जाते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरी स्टोरीज को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहीं पे रोक सकते हैं स्टोरीज को और जा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते क्या हैं? ब्लैक हेड्स वो होते हैं जो आपके इस एरिया पे ब्लैक ब्लैक आपकी स्किन के अंदर डॉट 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 नज़र आते हैं, वो ब्लैक हेड्स होते हैं। और जो वाइट हेड्स होते हैं ना, वो आपकी इस हिस्से पे होते हैं, या इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो एक हल्का सा आपको अपनी स्किन पे एक ऐसी कुछ फीलिंग होती है लाइक पिंपल, बट वो पिंपल नहीं होता। जब आप उसको हल्का सा ऐसे स्क्रैच करते हैं तो उसमें से एक वाइट पल्प सा बाहर निकलता है, वो वाइट हेड होता है। ब्लैक हेड इस एरिया पे होते हैं और वाइट हेड आपकी स्किन पे कहीं भी हो सकते हैं, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस वजह से होते हैं, हमारी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ये होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब मैं आपको, ये फिल्टर में मैं ज़्यादा प्यारी लग रही थी इसलिए मैंने फिल्टर चेंज कर लिया है कि वो ज़्यादा ही ओवर आ रहा था, इट्स अ नेचुरल। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी किस गलती की वजह से व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, ठीक है? आप डेली, आप में से काफ़ी लड़कियाँ स्क्रब यूज़ करती हैं, स्क्रब यूज़ मतलब आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा स्क्रबिंग अपनी स्किन को करते हैं, जिससे आपकी स्किन, डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है, आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, स्किन बहुत ही स्मूथ और सिल्की हो जाती है स्क्रब करने से, अगर आप स्क्रब यूज़ करते हैं, राइट? जब आप स्क्रब करती हैं ना, उसके बाद बहुत सी लड़कियां टोनर यूज़ नहीं करती। जो हम स्क्रब यूज़ करते हैं, अपनी स्किन को इस तरह मसाज करते हैं, उससे हमारी स्किन के सभी पोर्स इस हिस्से के ओपन हो जाते हैं। उसके बाद हम कोई भी टोनर यूज़ नहीं करते, कोई भी मास्क यूज़ नहीं करते, तो वो स्किन के पोर्स खुले रहते हैं, जिसकी वजह से डर्ट और सब जो उनसे है ना, डर्ट उसके अंदर चली जाती है और फिर आपके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं इस एरिया पे और यहाँ। ओके, तो जब आप कोई भी स्क्रब करने के बाद कोई भी टोनर या कोई भी मास्क यूज़ नहीं करते तो वो पोर्स ओपन रह जाते हैं और फिर सारी गंदगी और सभी डर्ट वगैरह उसके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लैक हेड्स और यहाँ पर वाइट हेड्स हो जाते हैं, समझ आए? उसके बाद दूसरी बात ये कि जो मैरिड हवातीन हैं और जो लड़कियाँ किचन में काम करती हैं, वो जब किचन में काम करती हैं और खाना पकाते हुए उनको जो स्टीम उनके फेस पे पड़ती है, उसकी वजह से भी उनकी उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब आप स्टीम लेते हैं, आप देखें जब सैलॉन्स में जाके आप फेशियल वगैरह लेते हैं तो वो स्टीम दे के आपके पोर्स को खोलती हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करती हैं और उसके बाद एंड पे आपको टोनर लगा देती हैं, आपके पोर्स को श्रिंक करने के लिए वो कुछ एक क्रीम लगाती हैं, जो भी लगाती हैं, जिसे आपके पोर्स वो बंद करती हैं, राइट? लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जो लड़कियाँ किचन में काम करती हैं उनके पोर्स खुले रहते हैं, वो ध्यान नहीं देती और बाद में अब तो हो गए ब्लैक हेड्स, जिस जिसको भी हो गए, चलो हो गए, अल्लाह दिसपुर। लेकिन अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना है और अपने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को आपने किस तरह जो उनसे ख़त्म करना है, अगर आपके इस एरिया पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो आपने कोई भी नो स्ट्रिप लेके, अब बहुत सारी मार्केट में नो स्ट्रिप्स हैं रिवाज की, बहुत अच्छी हैं, और भी जिस ब्रांड की हैं आप नो स्ट्रिप यहाँ पे कर लेंगे, ओके? लेकिन उसके बाद वाइट हेड्स का जो इशू है ना, उसको हल करने के लिए आपने क्या करना है कि स्क्रब के बाद हमेशा अच्छा सा एक टोनर ख़रीदें और टोनर यूज़ करें। टोनर को यूज़ करने से आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती जाती है ना, उनके जो पोर्स हैं ना वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से उनको श्रिंक करने के लिए अच्छा सा, अच्छी कंपनी का एक टोनर लें और हर फेस वॉश के बाद टोनिंग ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। टोनर के बगैर आपके पोर्स फिर खुले रहेंगे और फिर आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का मसला होगा, राइट? ओके, अब जो मैरिड हवातीन है और जिनका ज़्यादातर किचन में उन्होंने काम करना होता है, तो उनकी ज़िंदगी में सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है। सनब्लॉक का मतलब कतई ये नहीं है कि जब आपने धूप में जाना है तो ही आपने सनब्लॉक यूज़ करनी है, नो,
सनब्लॉक आपके फेस को, आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर ले आती है, आपकी स्किन को डर्ट से, हीट से, हर किस्म की चीज़ से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो सनब्लॉक मैरिड खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, बेशक बाहर बादल हो, बिजली हो, तूफान हो, तबाही हो, क़यामत हो, सनब्लॉक आपने ज़रूर यूज़ करना है। सुबह उठें, सबसे पहले मैरिड खवातीन सुबह उठ के जब टीथ ब्रश करती हैं, फेस वॉश करती हैं और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लगाएं, और मॉइस्चराइज़र के बाद सनब्लॉक लगाना मस्ट है। उससे आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाएगी और आप हीट आपको जो सा इफेक्ट नहीं करेगी आपकी स्किन को, आपके पोर्स ओपन नहीं होंगे। और टोनर इज़ मस्ट, 100% टोनर खरीदें अभी 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 अभी, टोनर बहुत ज़रूरी। और टोनर जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में उसको मुस्तकिल शामिल कर लें, मैं कह रही हूँ। अगर आप वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से बचना चाहते हैं ना, तो हमेशा फेस वॉश करने के बाद रात को और दिन में सोने, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद फेस वॉश के बाद रुई के ऊपर टोनर लगा के आपने अपनी स्किन को अच्छा सा उसको रुई से उसको लगा लेना है और फिर उसको ड्राई होने देना है। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करें और फिर आप जाएँ अच्छा सा नाश्ता करें, मज़ेदार किस्म का अपने आप को ट्रीट करें, राइट। अब मैं आपको अहम बात बताती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। अच्छा जी, अहम बात यह है कि अक्सर लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि हाय, जैसे मेरी फ्रेंड परसों बहुत परेशान थी, फिर मैंने उसको ये सारी बातें समझाई जो मैं आज आपको समझा रही हूँ, ये मैंने क्लास उसको दे दी हुई है। तो लड़कियां परेशान हो जाती हैं, फिर वो सैलॉन्स चली जाती हैं। सैलॉन्स वाली जो होती हैं ना, वो पैसे बनाने के चक्करों में होती हैं। वो कहेंगी आप इतने सेशंस लें, आप इतने सेशंस लें, हम आपकी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो जब आप सैलॉन से लेते हैं ना फेशियल्स वगैरह के, डबल वाइटनिंग फेशियल और जो 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 भी उनके होते हैं जो भी, तो वो आपसे पैसे बनाने के चक्रों में होती हैं। और बाद में जो जो आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को बाहर निकालने के लिए जो एक इतनी सी पिन यूज़ करती हैं, कुछ लड़कियों की सेंसिटिव स्किन होती है वो आपके निशान छोड़ जाते हैं और एक पिन कई लोगों पर यूज़ हुई होती है। तो मैं तो सैलॉन्स के हक में इतना ज़्यादा नहीं होती, हाँ बहुत कम होता है। तो आप घर पे खुद से ट्रीट करें स्किन को, हेल्दी वे में जो उनसे ना ट्रीट करें, और सैलॉन्स से कभी भी इतने ट्रीटमेंट्स मत लें, उल्टा ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है। ओके, अब मैं आपको एक दो रेमेडीज़ बताती हूँ जिसे आप करके, एक तो टोनर, नंबर वन टोनर और सनब्लॉक मस्ट अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ और स्टोरीज़ बहुत लंबी हो रही हैं। दूसरी बात ये कि फेस पैक यूज़ किया करें, सफ़ेदी अंडे की सफ़ेदी जो होती है ना उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसमें हनी डालें और एक दो कतरे लेमन के डालें और उस पैक को आप दिन हफ्ते में दो दफ़ा अप्लाई करें। उससे भी पोर्स जो है ना वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। और अच्छा सा टोनर खरीदें, थोड़ा सा महंगा भी ख़रीद लेंगे तो कोई बात नहीं, वो काफ़ी देर चलेगा। और अपनी स्किन से मोहब्बत करें और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। और आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, जो भी मैंने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिलेटेड आपको जितना मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे DM करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मेकअप बाद में, स्किन केयर पहले, ठीक है, मेकअप बाद में। ओके जी, मैसेजेस आने शुरू हो गया कि अच्छा सा टोनर भी बता दें, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप एवलाइन का टोनर देख लें, या तो चिल्टन प्योर का क्यूकम्बर वाला बहुत अच्छा है, एक्ने को भी ट्रीट करता है, वो देख लें, या उसके अलावा आप न्यूट्रोजिना का देख लें, या जो भी आपकी कॉस्मेटिक शॉप पे अच्छा, अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का, जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑल स्किन टाइप्स ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाला या ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टोनर्स होते हैं। तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से उनसे पूछ के अच्छा सा टोनर ले लें। और अभी नहीं जाएँ, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम हो गया है, सुबह चले जाना। ओके, आई होप कि आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव इंस्टा लाइव प्रो क्लास कैसी लगी है आपने नीचे कमेंट करके बताना है मुझे। आई होप यू विल लव इट। और आपको थोड़ा बहुत जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताने की भरपूर कोशिश की है। और इंशाल्लाह कल की लाइव क्लास पे दोबारा मुलाकात होगी। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं भी आई तो आप समझ लें और फिर अपने दोस्तों को बता दें। ओके जी, मेरा इंस्टा आप जो है ना वो माफिया मांग रहे कि बस कर दे, इतनी ज़्यादा स्टोरीज अपडेट हो रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड तक जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू ऑल। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के कल के फीडबैक से मुझे इतनी पावर मिली है कि मैं इस 11 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इस ऊपर ठंड वाले कमरे में बैठ के जो है ना ये स्टोरीज डाल रही हूँ, और मेरी नाक जो है वो लाल हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, एनीथिंग फॉर यू। अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाती है, मेरी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी, हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, तो मुझे, मैं खुद को बहुत इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। और अब भी इंशाल्लाह कल की लाइव क्लास में बात होगी। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू कल।